वेलकम टू सरस्वती क्लासेस। आज का स्टूडेंट हमारा लेक्चर है वो है करंट अफेयर की सीरीज़। आपको ध्यान है कि कल अपने केवीएस की सीरीज़ स्टार्ट कर दी थी इंग्लिश के, ठीक है, लेक्चर से। तो आज का जो लेक्चर है स्टूडेंट वो है करंट अफेयर्स की सीरीज़, और ये केवीएस टीजीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो केवीएस टीजीटी का जो 40 नंबर का सेक्शन वो करंट अफेयर्स पर पूरा का पूरा बेस्ड है, ठीक है। और ये केवीएस पीआरटी और पीजीटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और रह गई बात, कुछ स्टूडेंट नीचे डिस्कस कर रहे थे कि सर 28 तारीख जो कि डीएसएसबी का एग्जाम होगा और ऑनलाइन होंगे, उनके लिए कुछ करवाइए। तो बहुत जल्द उनके लिए लेक्चर बनाएंगे अपने। और ये केवीएस जो डीएसएसबी पीआरटी का एग्जाम ऑनलाइन होगा उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीआरटी ऑनलाइन एग्जाम में कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन जो ऑनलाइन जो कि करंट अफेयर से पूछे जा रहे हैं। तो केवीएस टीजीटी और डीएसएसबी पीआरटी जो कि ऑनलाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हमारा कहता है कि हाल ही में 2 व्यक्तियों को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला, जो हैं वो 2 जो बंदे हैं उन कौन कौन से जिन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो डेनिस मुकवेगे और नादिया मुराद हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। डेनिस मुकवेगे और नादिया मुराद जिन्हें नोबेल का पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है, कहता है कि हाल ही में किस भारतीय मूल की महिला को अमेरिकी परमाणु विभाग की प्रमुख के रूप में चुना गया। तो रीता बर्नवाल को अमेरिकी परमाणु विभाग की प्रमुख के रूप में चुना गया है। कौन सी? रीता बर्नवाल को। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन टेस्ट डेब्यू पर शतक जड़ने वाले सबसे युवा भारतीय क्रिकेटर बने हैं, ठीक है। तो ये पृथ्वी शाह हैं, जिन्होंने अपने करियर के पहले ही मैच में टेस्ट में शतक मारा था, और सबसे युवा खिलाड़ी थे ये, ठीक है। पृथ्वी शाह ऐसे बहुत बंदे हैं जिन्होंने शतक मारा है, लेकिन उनमें सबसे युवा अगर बात करूँ तो सबसे युवा पृथ्वी शाह हैं। नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में आईसीआईसीआई बैंकों के नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है, और कल ये करोड़पति में पूछा भी गया था, ठीक है। तो इससे पहले इसकी चंदा कोचर थी, जिन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अब संदीप बख्शी बने हैं इसके नए एमडी और सीईओ आईसीआई बैंक के, जो प्राइवेट लिमिटेड बैंक हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2018 के तहत सर्वोच्च राज्य का पुरस्कार मिला है। हाल ही में किसे सर्वोच्च सर्वेक्षण ग्रामीण 2018 के तहत सर्वोच्च राज्य का पुरस्कार मिला है? तो हरियाणा को सर्वोच्च सर्वेक्षण ग्रामीण 2018 का पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है, कौन भारतीय मूल की प्रथम महिला अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रथम अर्थशास्त्री बनी? तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है डीएसएसबी पीआरटी के लिए, क्योंकि हमेशा आईएमएफ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसके अध्यक्ष कौन है, कहाँ इसका सचिवालय है। तो अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनके लिए बन जाता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो एक पहली महिला बनी है भारतीय, जो वहाँ जाके इकोनॉमिक्स का पदभार संभाला, उन्होंने अर्थशास्त्री बनी है, तो गीता गोपीनाथ हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए? तो हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो मुश्ताक अहमद को चुना गया। किसे? मुश्ताक अहमद को। उसके बाद है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, गांधी जयंती के दिन, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है, पेट्रोलियम मंत्री ने हाल ही में वैकल्पिक ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु एक पहल प्रारंभ की है, जिसका नाम है, ठीक है, तो ये उसका नाम है स्टैट। क्या है? स्टैट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये, ठीक है, आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है, किन किन व्यक्तियों को संयुक्त राष्ट्रीय संघ के सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान चैंपियंस ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया? तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसमें नरेंद्र मोदी और सी जिनपिंग है, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अच्छा पुरस्कार है पर्यावरण के लिए, चैंपियन ऑफ द अर्थ सम्मानित किया गया दोनों को कंबाइन ग्रुप में, ठीक है। उसके बाद है, नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने एशिया कप 2018 का खिताब जीता, इस खिताब के साथ भारत कितनी बार इस कप को जीत चुका है? तो 7वीं बार भारत ने ये खिताब जीता है एशिया कप का, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चाय के बागानों में कार्यरत महिलाओं को मातृत्व लाभ देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? वैसे भी जहाँ भी चाय के बागानों का नाम आता है तो वहाँ असम का नाम हमेशा आता है, तो चाय के बागानों में कार्यरत महिलाओं को मातृत्व लाभ देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? असम, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने हाल ही में 8 अक्टूबर 2018 को कौन सा वायुसेना दिवस मनाया? तो 86वां वो वायुसेना दिवस मनाया। उसके बाद है, JIMEX 2018 द्विपक्षीय सामुदायिक अभ्यास भारत ने किस देश के साथ शुरू किया? तो वो किया जापान के साथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी नोट कर लेना। नेक्स्ट है, एशिया का प्रथम डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बनाने की घोषणा कहाँ की गई है? तो एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर वो बनाने की बात की है बिहार पटना में, ठीक है। उसके बाद आम की किस किस्म को
जीआई टैग प्रदान किया गया। ठीक है, तो आम की बहुत सारी किस्में होती हैं, उसमें से अल्फांसो को ये किरदार दिया गया, जीआई टैग प्रदान किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अंडर 90 एशिया कप के विजेता कौन है? तो भारत। ठीक है, उसके बाद इससे पहले भी इंडिया ने एशिया कप जीता था, वो सीनियर का। ठीक है, अब अंडर 90 एशिया कप वो भी भारत ने जीता, किसने? भारत ने। नेक्स्ट है, निर्माण कुसुम की योजना कौन सी स्टेट में स्टार्ट की गई? तो अच्छा क्वेश्चन है, निर्माण कुसुम की योजना उड़ीसा में स्टार्ट की गई। कहाँ स्टार्ट की गई? उड़ीसा में। नेक्स्ट है, आतंकवाद निरोधक बल कवच की घोषणा किस राज्य ने की गई? तो हरियाणा ने की गई। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल डे ऑफ डिजास्टर रिडक्शन, ठीक है, आपदा न्यूनतम दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनतम दिवस 13 अक्टूबर को मनाया जाता है, इंडियन इंटरनेशनल डे ऑफ डिजास्टर रिडक्शन। नेक्स्ट है, किस देश की सरकार ने, इम्पोर्टेंट है, किस देश की सरकार ने हाल ही में मृत्युदंड समाप्त करने की घोषणा की है? तो मलेशिया सरकार ने यह घोषणा की है। नेक्स्ट है, वोडाफोन ने महिला सुरक्षा को लेकर एक सेवा की शुरुआत की है, वो है वोडाफोन सखी। ठीक है, महिलाओं के लिए की है ये शुरुआत। उसके बाद है, भारत के नए सोलिस्टर जनरल कौन है? तो तुषार मेहता को भारत के नए सोलिस्टर जनरल के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना ने हाल ही में एक मोबाइल हेल्प ऐप शुरू किया है जिसका नाम है मेडवॉच। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि पीआरटी के एग्जाम में एक ऐप का हमेशा करंट का क्वेश्चन पूछा जाता था, क्या पता ये क्वेश्चन पूछ जाए, तो आप इसे ध्यान रखना। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में एक मोबाइल हेल्प ऐप शुरू किया जिसका नाम है मेडवॉच। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को। ठीक है, तो 2 अक्टूबर को भी अपने एक बर्थडे मना के गए थे, ठीक है, ऊपर, तो वो किसका था आप नीचे कमेंट करके बताइए ताकि आपको याद रहे। ठीक है, देखना नहीं है, चीटिंग नहीं करनी है, तो नीचे जिसको ध्यान है तो वो मुझे बताएगा। धन्यवाद।